वेणुगोपाल जी, चिदम्बरम जी, के मुनियप्पा जी, नितिन राउत जी, सुष्मिता देव जी, अनिल चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। देश की हालत आप सब जानते हो। इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारे दलित भाई बहन थे, उनको ये देश अंधेरे में रखता था, अंधेरे से बाहर नहीं निकलने देता था, और जो उनके हक थे उनको नहीं देता था। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद दलितों का जो हक है उनको मिला, वो कांग्रेस पार्टी ने, बाबा साहेब ने मिलकर हिंदुस्तान के हर नागरिक को, और खास तौर से जो हमारे दलित भाई बहन है, उनका उनका अधिकार और उनका हक दिया। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे, संविधान पर नरेंद्र मोदी, आरएसएस और उनके 4-5 उद्योगपति मित्र कर रहे हैं। जहां भी आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। पार्लियामेंट में हम किसानों की बात उठाएं, दलितों की बात उठाएं, पिछड़ों की बात उठाएं, महिलाओं की बात करें, पार्लियामेंट में हमें बात करने नहीं देते। कल राज्यसभा में पहली बार इतिहास में, पहली बार इस देश की हिस्ट्री में सांसदों को मारा गया, धकेला गया, पीटा गया। नरेंद्र मोदी किसानों पर अत्याचार करते हैं, जो उनका है उनसे छीनते हैं, और फिर किसानों को कहते हैं तुम देशद्रोही हो, तुम खालिस्तानी हो। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले जो देश को रोजगार देते हैं, उनको खत्म कर दिया, उनको नष्ट कर दिया, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कोरोना के समय हमने कहा जनता को डायरेक्ट का पैसा दीजिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस की मदद कीजिए, मगर नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ अपने 3-4 उद्योगपतियों मित्रों को पैसा दिया, बाकी को कुछ नहीं। मीडिया की बात करता हूं, मैं कहता हूं ये हमारे मित्र हैं, हर मीटिंग में कहता हूं हमारे मित्र हैं, मगर जो हमारे मित्र हैं वो देश का काम नहीं कर रहे हैं। वो 2-3 उद्योगपतियों का, नरेंद्र मोदी का और आरएसएस का काम कर रहे हैं। मगर भाइयों और बहनों देखिए, ये देश बहुत समझदार है, देश की जनता को सब कुछ समझ आ रही है, और आस्ते आस्ते देश में, दलितों में,
गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में एक आवाज आपको सुनाई देगी और वो आवाज आस्ते 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 बढ़ती जाएगी और फिर एक दिन वो आवाज एक तूफान बन जाएगी और वो तूफान नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के घर से उठा के बाहर निकले। हमारा काम देखिए, बाबा साहेब ने, महात्मा गांधी जी ने इस देश को क्या सिखाया? इस देश को उन्होंने सिर्फ एक बात सिखाई है। बहुत कुछ लिखा मगर सिर्फ एक बात सिखाई है और वो ये है कि डरो मत इन कायरों से, डरो मत। ये जो है ये खोखले है। जिस दिन हिंदुस्तान इनसे डरना बंद कर जाएगा उस दिन ये भाग जाएंगे, ये दिखाई नहीं देंगे। हमारा काम, कांग्रेस पार्टी का काम, SC ST डिपार्टमेंट का काम, यूथ कांग्रेस NSY का काम, हिंदुस्तान को सिर्फ ये याद दिलाना कि हिंदुस्तान का व्यक्ति, हिंदुस्तान का आदमी डरता नहीं है, किसी भी शक्ति से नहीं डरता है और किसी भी शक्ति के सामने खड़ा हो सकता है। भाइयों बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद।